मत देखना गाइस, बहुत दुख होएगा हम लोग। हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक और हम हैं फोकस। तो गाइस आ गए हम लोग एक एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ, और जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो दिन आ गया है, वो घड़ी आ गई है। तो गाइस दोनों ही खुश है क्योंकि शादी होने वाली हम लोग दोनों में से किसी एक की। मुस्तजाब भी बहुत खुश है गाइस, माशाल्लाह। तो गाइस आज रिवील करने वाले हैं हम लोग, या तो मेरी शादी है या तो जिशान की शादी है। तो अभी हम लोग डेकोरेशन का सामान लेने जा रहे हैं। मैं सोचा था डेकोरेशन ऊपर करेंगे, लेकिन हम लोग ने सोचा कि यहाँ पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना सोफे को खड़ा कर सकते हैं, तो पूरी एक जगह मिल जाएगी अपने को डेकोरेशन करने के लिए। तो बहुत ही मजा आने वाली है। काशिप भाई भी आ गए है, इन लोग भी स्पेशली। अच्छा, अलग अलग। तो गाइस काशिप भाई, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, काशिप भाई और हाइफा भी आ गए हैं स्पेशली रिवील करवाने के लिए ही। और हुदाप्पी भी आ रही है स्पेशली रिवील कराने। हुदाप्पी ने बोली थी या तो जिशान की शादी रहेगी या अभिषेक की शादी रहेगी, तो मैं आऊंगी बताने के लिए कि किसकी शादी है। देखते हुदाप्पी आएगी कब तक, और डेकोरेशन सब कर लेते हैं सब। अभी चलो सामान लेकर आते पहले। ये हम लोग के लिए ना बहुत बड़ा दिन है, हम लोग रेडी हो गए हैं आप लोगों से शेयर करने के लिए। मतलब जा रहे सामान लेने। नहीं, शादी का रिवील करने के लिए रेडी हो गए हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है, ये चीज हम लोग शेयर कर रहे हैं आप लोगों से। तो बहुत मजा आने वाली है गाइज, बहुत अच्छा लगेगा। और लंबा टाइम रुकना पड़ेगा। चलो ठीक है, देखते हैं, जाते हैं, निकलते हैं। लोग आ गए डेकोरेशन का सामान लेने के लिए। तो भाई तुम तो अभी शादीशुदा हो गए हो, तो तुमको मतलब क्या एक बात बोलने का है, या तो जिशान को या सिर्फ जिशान को हो सकता है। तो जिशान को ही बोलूंगा। अच्छा, अभी जिशान को ही बोलोगे? फिर थोड़ी देर बाद जब जिशान कैमरा पकड़ेगा तब तुमको बोलूंगा। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है, तो क्या बोलना है, कुछ बोलने का है? देखो सब आसानी से होगा, नर्वस हो मत, ठीक है? इंशाल्लाह सब अच्छे से हो जाएगा। लॉग के एंड में गाइस आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा कि किसकी शादी है। व्यूअर्स ऐसा अपने सर खुजाते रहिए क्या हो रहा है, ठीक है? ठीक है, चलो देखते हैं गाइस, हम लोग डेकोरेशन के सामान सब ले लेते हैं। अभी हम लोग चेक कर रहे हैं कौन सा रेड कलर ज्यादा बेटर रहेगा। तो याला बेटर है ना, याला वो सबसे तो बेटर ही है कलर। हम लोग ने ना ये बलून किए है चॉइस, अब इन दोनों में से ना मेरे को ये ज्यादा रेड लग रहा है ना, तो यही वाला। ये ग्लॉसी है थोड़ा, ये चमक रहा है, और ये ग्लॉसी तो अपन वो लाइट मार के भी कर सकते हैं। चलो यही वाला लेते हैं। ये बलून देखो, इसमें का रेड दो ना। नहीं है ना रेड इसमें। अरे यार यही तो बलून है, ये कलर में भी कर सकते हैं, ये कलर में मजा नहीं आया। हम लोग आए थे रेड बलून लेने के लिए, और हम लोग ने ले लिए है पर्पल और सिल्वर बलून। देखते वो डेकोरेशन लगेगा कैसा, क्योंकि करने का तो मजा आना चाहिए आप लोगों को देखने भी। चलो चलते, ले लिए हम लोग ने। तो गाइज यहाँ पे देखो, हम लोग के आने के पहले लाइट आ गई है। इसको तोरण लाइट करके कुछ बोलते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे न्यास के टाइम पे गाइज ये सोफे को खड़ा कर दिए थे इधर पे, तो वैसे ही खड़ा कर देंगे, ताकि हम लोग के पास ये पूरी स्पेस रहे सामने खड़े रहने के लिए, है ना, मजा आएगी। चलो खड़ा कर देते इसको। अभी तक ये तैयारी नहीं किए तुम लोग ने? कहा मामू, अभी तो सिर्फ इतना ही किए, अभी सोफे को खड़ा किए। क्या होगा अभी, हम लोग क्यों जाने का, अभी हम लोग जा रहे हैं। हाँ पता है, जल्दी करे करे कर, हाँ जल्दी आ रहे। हाँ चलो करते है। अभी तक यहाँ पे इतने बलून फूल गए है, चलो और जल्दी जल्दी मेहनत करके उसको पूरा करते है। चलो भाई, इन लोग ने तो एक पैकेट तो इतना मजबूत वाला फुला लिया, मस्त दिख रहा है ये जब स्टैंड पे लगेगा ना गाइस, ये स्टैंड पे लगने के बाद और ज्यादा खिल के आएगा, देखते चलो। तो गाइस ये कुछ इतना बड़ा हो गया, देख लो गाइस अभिलेश कितनी मेहनत कर रहा है अपनी बीवी के इसी के लिए। जरूरी थोड़ी ना मेरी बीवी के लिए कर रहा, हो सकता है तेरी बीवी, हो सकता है भाभी के लिए हो। हम लोग के लिए तो दोनों तरफ से भाभी है। हाँ मुस्तु बलून चाहिए। गाइस देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, हम लोग का स्टैंड रखा हुआ था वो निका वाला, तो हम लोग अभी नीचे से ज्वाइन कर देंगे दूसरा, तो ये प्रॉपर पूरा एक भाई तुम मान लो इसको नीचे ना, वो में वो नहीं होएगा क्या? हाँ पर्दा ना, पर्दा एक और लगेगा। चलो वो वहां से ज्वाइन कर दे निशान, वहां से ना रस्सी बांध, देखो इसी तागे से ना बांध दे, और नीचे कर उसको, और नीचे करो, कर रहा हूँ एक सेकंड। हाँ ये देखो और नीचे, एक सेकंड हो गया ना निशान, उसको सीधा कर, इतने सारे छोड़ा था। लास्ट एंडिंग पकड़ो ना। तो गाइस अभी आप लोग देखो कि ये इतना बन गया है,
कैसा दिख रहा है? बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है इसको बांधने में। तो काशिफ, जिशान और हम लोग तीनों मेहनत कर रहे हैं गाइस। और ये दोनों ऐसी ही है खड़े हुए हैं और हाइफा बैठी हुई है और कुछ नहीं कर रहे। तो कुछ नहीं करने और मैं सबसे बड़ा काम कर रही वीडियो बनाने का। वेरी गुड। देखो ये पूरा बन गया है गाइज। आप लोग भी घर पे बैठे बैठे ये चीज कर सकते हो, बहुत ही इजी है। बस आपको एक स्टैंड चाहिए इसके लिए, है ना? हाँ सही, ग्लू ड्रॉप दे रहा है अक्षत एक मिनट। तो यार ऑलमोस्ट डेकोरेशन डन हो चुका है। ये देखो अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, देखो कैसा लग रहा है गाइज। अभ्रेश को मेहनत देखते हुए क्या बोलू, अपने लिए कितनी मेहनत कर रहा है अभ्रेश। बहुत सारी चीजें हो सकता है तेरे लिए हो ये मेहनत, हमारे लिए तो दोनों तरफ से भाभी है। हो जाए टेंशन, मतलब भाभी खुश हो जाएंगी। अच्छा अच्छा, अच्छा। मेरी भी हुई तो भाभी है मेरी भी। अगर तेरी भी हुई तो मेरी भाभी है ब्रो। तेरी हुई तो तेरी भी होगी ना लेकिन। चलो चलो मैं सोच, अपन तो अभी तैयार होगी ना जाके। हाँ तैयार होते और एकदम तैयार हो यार होके निकलेंगे। क्या पहने हुए? क्या पहने? हार, हार। हाँ हार भी लेते हुए आ जाते हैं। हाँ। लेकिन पहनना क्या है? कोट पैंट। ओ कोट पैंट पहनेंगे क्या? कोट पैंट पहनेंगे ना, सूट। सज डच के सजना है मुझे, सजना के लिए आओ। सजना है मुझे सजनी के लिए, डेकोरेशन होने के बाद यहाँ से लाइट भी मार रहे हैं, मस्त एकदम, बहुत ज्यादा प्यारा दिख रहा है। मैं वहाँ खड़े रह के कैसे दिखता हूँ दिखाओ। तो गाइस मैं रेडी, अभी पूरा प्रॉपर रेडी नहीं हुआ, अभी होने जा रहा हूँ। मैं बस देख रहा था यहाँ पे दिख रहा कैसा फेस, कैसा दिख रहा है। कांग्रेचुलेशन, किसकी शादी होगी जिसकी भी, पर एडवांस में कांग्रेचुलेशन। निशान नहीं आया तो इसलिए मेरे को अकेले को करने का, साथ में करेंगे आने। जल्दी मामा को पप्पी पप्पी, इसको पैंट पहना दो अब। गाइस मैं एकदम प्रॉपर रेडी हो गया हूँ। इधर ऐसा पकड़ एक मिनट, फुल कोट पैंट पहन के निशान आ रहा है, कोट पैंट पहन के मामू मामी उतर रहे नीचे। बस लोग आएंगे तो अपन स्टार्ट करेंगे और रिवील करेंगे किसका है, और हार भी लेके आ जाओ जाहिद, जल्दी जल्दी लेकर आओ, बता दे किसकी शादी है। गाइस हम लोग ने बीच के पर्दे को खोल दिया, अभी ये थोड़ा ज्यादा प्यारा दिख रहा है, तो बस कोट वोट सब उतारना पड़ा उसके लिए। काशिफ भाई ने फुल मेहनत कर ली है इसके लिए भी, ये मस्त दिख रहा है अभी, है ना? हाँ गाइस जिशान भी आ गया और ये लोग हार लेके भी आ गए हैं, मस्त हार दिखा। हार बहुत अच्छा ले। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, मामू मानी को बुला और रिवील करते हैं। चलो यहाँ पे अभी बिलाल लाइट को एडजस्ट कर रहा है। मामू मानी किधर है? आ रहे। चलो जल्दी जल्दी लाइट एडजस्ट करते। अक्षत कैसा लग रहा है डेकोरेशन? माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। तो किसकी शादी है ये डिसाइड? चलो तो गाइस मामू ही करने वाले हैं किसकी शादी है रिवील आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग जो हार लेकर आए हैं ये मामू पहनाएंगे उसको जिसकी शादी है, ठीक है? तो जैसे लास्ट ईयर मामू ने किए थे अमन और दिशान के बीच में किसकी शादी है वैसा रिवील, तो इस बार मामू ही करेंगे मेरी या दिशान की किसकी शादी है वो रिवील। लेकिन मैं दो हार की फिर तो एक ही होना चाहिए ना। एक हम लोग पहले सोचे थे कि दोनों मम्मियों को देंगे, लेकिन फिर हम लोग सोचे घर के बड़े को ही देते ना, मामू को ही देते, मामू अच्छे से करेंगे। इस वजह से मामू के हाथ में दो हार रह गए तो भी कंफ्यूजन है क्या, मतलब कौन पहनेगा? हो सकता है दोनों को पहना दे मामू। हाँ मामू तो क्या बात बोल रहे हो गाइस, पिछली बार अमन भाई और जिशान भाई के इसमें से जिशान भाई हट गया था, इस बार जिशान भाई नहीं हटेगा। ओ हो सकते, क्या पता, क्या बोल नहीं सकते अभी, क्या बार बार जल्दी थोड़ी ना हो जाएगी। कांग्रेचुलेशन जाहिद की, तो सबसे एंड में जाहिद की, क्या पता कब होगी, बेचारा मंगनी करके रखा हुआ है। हमारी माए आ रही है उसमें, क्या नाम है, ए अपने कंटेस्टेंट के साथ आ रहे हैं। दिशान का अपनी मम्मी के साथ, कंटेस्टेंट अपनी माओ के साथ आई है, और मामू वो करेंगे क्या बोलते, रिवील करेंगे। दो द्रौपदी है। तो हम लोग आ गए अपनी मम्मियों के साथ, स्वयंवर हम लोग का स्वयंवर निशान का स्वयंवर इस साइड आ मम्मी, निशान बीच में। तो गाइज हम लोग खड़े हो गए हैं अपनी जगह पे, अब बस मामू ही डिसाइड करेंगे, बस हाइफा और काशिफ का वेट करते हैं। उदापी रास्ते में ही, उदापी पहुंचने वाली है, तो उदापी का थोड़ा वेट करते हैं, लेकिन देखते हैं वो पहुंच पाती है कि नहीं, तो रिवील करते हैं। ए हाइफा काशिफ आ जाओ, भाई को सबर नहीं हो रहा है किसकी शादी है, जल्दी आओ। काशिफ आ गए, आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ आगे, ये पॉपर एक ले लो, कौन पकड़ रहा है, लाइव दोनों
अच्छा लक्षण हुआ, मम्मी हॉल बुक कर दिए बोल रहे अल्फा सब हो गया बोल रहे मामू बड़े मामू हार हार पकड़ेंगे मामू हार भी नहीं है सॉरी पहले एक हार रख दे हाँ एक हार रख दे एक हार रख दे अगर ये फूट गया फाट करके समझ जाना बिग बॉस वाला शॉट हाँ तो मामू आप भी आपके लिए जज के लिए भी जगह छोड़ ही देते हम लोग अपनी मम्मियों के साथ यहाँ खड़े तो कैमरे में अच्छे से दिखना चाहिए ना यस हाँ चलो आओ आओ मामू वन चलो गाइस मामू डिसाइड दिल थाम के बैठिए किसकी शादी है अगर आप ऐसे बैठ जाते क्या गले पे पहनाएंगे पीछे से ऐसा बैठे ना शकल नहीं दिखेगी मामू मामू ऐसा कर सकते है ना तो देखते हैं गाइस किसकी शादी है बताओ बताओ जल्दी मामू हम लोग को वेट नहीं हो रहा मैं भी पीछे खड़ी हूं हां अबे तुम लोग मम्मियों को पीछे यहां हटा दिए चलो वन टू शादी किसकी है अरे अभी तो कुछ तो है मामू सोचो मत यार इतना बता ही दो अरे लाल ये खत्म करो अब रेस के ऊपर चालू है बीच में मत बोलो बीच में कोई कंटेस्टेंट नहीं बोलेगा तो ये अभी बताओ बताओ जल्दी बताओ मुबारक आगे पीछे से डालो पीछे से छोड़ दो छोड़ दो डालो डालो पीछे हो सकता है अभी बहुत कंफ्यूज हो रहा है आपको तो पता मामू क्या कर रहे हैं मैं कंफ्यूज अभी इसको हार इन लोग तो के चक्कर में अक्षर की मेरा सरप्राइज हो जाएगा इसके डाले इसके डाले गया इसकी डाल लेते बच गए लोग दोनों बच गए तो है ही है देखो तो किसकी दरवेगी ठीक ठीक वन डॉक्टर 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 भाई डॉक्टर हो रहा है कि नहीं भगा के मत देखना गाइस बहुत दुख होएगा हम लोग मैं भी यही सोच रहा था शादी है उसको कहीं दोनों की शादी शादी है कहीं दोनों शादी तो नहीं दोनों की शादी तो नहीं है डालने जा रहा हूँ देखो ये हार जिसके ऊपर भी जाएगा इंशाल्लाह जल्द ही तो और मेरे को सबसे सबसे दुआ चाहिए मेरे को मम्मी पहले आपसे उमानी दुआ दो हाँ क्या दुआ दे वो तो बताओ दे 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 दिल में दिल में शादी रहो अच्छे से अच्छे से शादी हो जाए सबसे 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 छोटे जल्दी शादी हो जल्दी जल्दी भाग आए दुआ दुआ दिया दिया क्या दिए अल्लाह तुमको हमेशा खुश रहे थैंक यू फूदो ना फूदो पालो सदा खुश रहो दस बच्चे के बाद अभी शादी नहीं हुई हो तो होगी तो आइफा आइफा दुआ दे मेरा भाई हमेशा खुश रहे मेरी बात मुझसे पूछ तो बोलो मामू हमेशा खुश रहो ये गंदा कर दिया ना वो बोल आप साफ सफाई पूरी करेगी नेक्स्ट शादी इंशाल्लाह मेरी है तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मम्मी के लिए बहू आ जाएगी गाइस घर में मतलब एक ऊपर तो है ही मुमानी के इधर एक बहू तो है ही अब इधर भी एक बहू आने वाली है तो बहुत मजा आएगी बहुत गाइस इंशाल्लाह बहुत अच्छे से रहेंगे एक और एक चीज कल आपकी भाभी का आपको नाम पता चल जाएगा यस गाइस कल के वीडियो में आपको नेम रिवील जैसा हम लोग सोचे
फेस हाँ दिखा देंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम लोग आप लोगों को नेम रिवील कल के ब्लॉग में करेंगे, लेकिन मम्मी अभी कुछ बोलना आपको, आपको आपकी बहू आ रही है, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी खुश है, मामू खुशी तो होगी ना, बहू आ रही है। मामी आपको कैसा लग रहा है? एक और बहू आ रही है घर के अंदर, तो गाइस बहुत ही हम लोग को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तुम लोग को कैसा लग रहा है? तुम लोग की भाभी आ रही है, बहुत अच्छा। घर का धमाका इसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। कैसा लग रहा है? बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है गाइस, मेरी बीवी मेरी शादी हो रही है। तुम लोग मेरे से क्यों पूछ रहे हो? पूछो कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को ऐसा ऐसा लग रहा है कि हाँ हवा में हुई कि बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मेरे को कि मेरी शादी है, और इंशाल्लाह आपको डेट रिवील भी हो जाएगी कब है शादी। तो और कुछ का नया वो डेट रिवील कंटिन्यूअसली आपको एकदम खतरनाक वीडियो मिलने वाली है। हाँ, तो अभी आप लोगों को थोड़ा वेट और करना पड़ेगा। अभी तुमने अपने व्यूअर्स को बता दिया हो कि तुम्हारी शादी है, तो अभी करंटली तुम क्या फील कर रहे हो और उन लोग से क्या एक्सपेक्ट करते हो? अच्छा, तो मैं अभी क्या फील कर रहा हूँ जी, मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। एक सुन्नत पूरी होने जा रही है और इंशाल्लाह मैं जैसा सोचा हूँ, जैसा मैं अपनी मम्मी और बहनों को जैसा रखा हूँ, इंशाल्लाह अपनी बीवी को भी वैसी रखूंगा इंशाल्लाह। और अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छे से और खुश रहेंगे। और मैं आप लोगों से यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसा आप लोगों ने मुझे प्यार दिए वो वीडियो में आएंगे, प्लीज प्यार देना। क्योंकि एक नए बंदे आने से ना आप लोगों के ना व्यू पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाते हैं, तो उसलिए मैं पहले से ही आप लोगों को बोल रहा हूँ कि यानी एक न्यू पर्सन को आप देखो तो आप उसको स्टार्टिंग में जज मत करने लग जाना, थोड़ा टाइम लेना, समझना, उसके बाद कुछ बोलना, ठीक है? हाँ, बस यही बोलना चाहूंगा मैं। अभी एक डांस करेंगे और कैसा लग रहा है? तो हम लोग साथ में, वैसे तो मैंने ये सोचा कि साथ में ब्लॉग भी सब साथ में ही बनाएंगे, है ना? तो शादी के लिए रजामंद कर ली मैंने, एक लड़की पसंद कर ली, उड़ती चिड़िया पिंजरे में बंद कर ली, उड़ती चिड़िया पिंजरे में बंद कर ली। ये खुशी इसको भी चाहिए। मैं दुआ दूंगा मेरी शादी के नाम पे, लेकिन अभी के लिए मैंने एक लड़की पसंद कर ली। उदापी के साथ हम लोग मनाएंगे, उदापी रास्ते में ही है, तो ब्लॉग अभी के लिए यहीं पर एंड करते हैं। एक बार जरा करते हैं मरकत, इसलिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द बेल आइकन।